السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आज हम बात करेंगे नमाज के अंदर के फ़राइज। मैं जो कल आप लोग को बताया था वो नमाज के जो फ़राइज थे, जो शर्त बताया था वो नमाज के बाहर के साथ फ़राइज थे, लेकिन आज उस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे नमाज के अंदर के छः फ़राइज के ऊपर। और याद रखिए हमेशा कि अगर इन छः फ़राइज में से अगर एक भी फ़राइज छूट जाता है तो नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। चलो शुरू करता हूँ, कौन से छह फ़राइज हैं। नंबर एक, तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि अल्लाहु अकबर कहना। नंबर दो, प्याम यानी सीधा खड़ा होना। नंबर तीन, तिरत यानी कुरान शरीफ में से कोई सूरह या आयत पढ़ना। नंबर चार, रुकू करना। नंबर पांच, दोनों सजदे करना। नंबर छह, कायदा आखिरा में अत्तहियात की मिकदार बैठना। अगर इन छह में से कोई भी एक चीज़ अगर आपका छूट जाता है, नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। क्यों? हम लोग मानते ही हैं, अगर हम लोग समझते हैं कि अगर हमारा एक भी अगर फ़र्ज छूट भी जाता है तो नमाज हो जाएगी। याद रखो, नमाज नहीं होगी, आपको दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगा। मैंने जो आपको ये बताया ये छः फ़राइज थे, क्यों हम लोग को ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा मिल जाए। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।